यूपी में 80 लोकसभा सीट है जिसमें से 78 कंफर्म है कि बीजेपी बिहार में बीजेपी 38 कंफर्म है, दो वो सीट एकदम कंफर्म। बिहार में अगर 10 भी सीट आ गया ना बीजेपी का, तो आप बोलिएगा आरजेडी का पूरा सीट आएगा। हम दोनों अपना अपना नंबर हम अपने देते हैं, आपके अनुसार मोदी जी आएंगे, हैट्रिक लगे, आपके अनुसार क्यों नहीं आएंगे ये बताइए। क्या किए हैं वो, जब आए थे 2014 में तो बोले थे 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे, 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोजगार, चलिए वो सब थोड़ी 1 करोड़ रोजगार नहीं दिए। 2022 तक सबको पक्का मकान के लिए बोले, अभी तक किसका मकान बन गया पक्का जी, पटना में नहीं रह रहा है, रोड पे फुलवारी सड़क चल रही है ना, देख लीजिए ना। इस उम्र में आपको लगता है कि नौकरी मिलेगा आपको सही से? जो मिलेगा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, तेजस्वी यादव का सरकार आने दीजिए, नौकरी मिलेगा। मैं आपको 100% कह रहा हूँ ना कि नौकरी मिलेगा। नरेंद्र मोदी को इतना डर है तेजस्वी यादव से कि पिछले साल भी आए थे पालीगंज में मिलने, पिछले साल भी पालीगंज में नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए पालीगंज में आए थे, इतना डर था कि सरकार उनका नहीं आता। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, ऐसे में हम लोग जनता के बीच है और जनता से जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पे वोट करेंगे और अब की बार किसकी सरकार आएगी, क्या कहेंगे, किन मुद्दा पे वोट करेंगे इस बार? विकास के ऊपर वोट होगा, विकास के नाम पे वोट करेंगे। किसने विकास का काम किया है, मोदी जी ने किया है? मोदी जी तो नहीं किया है, वो साल में विकास का कोई काम नहीं, सिर्फ एगो अयोध्या का मंदिर बना वही पर वोट ले रहे हैं, राम मंदिर बना है वही पर वोट ले रहे हैं और विकास नहीं है। डंका बज रहा है विदेशों में भारत, कोई डंका नहीं। अबरी जो है ना घर घर लालटेन जरेगा, एकदम आरजेडी जो है ना जंगले राज में नौकरी दिया है तेजस्वी यादव, अच्छा, जंगल राज में ही नौकरी मिला। हाँ, मोदी जी भी तो रोजगार बोले थे 2 करोड़ कहाँ दिया, मोदी जी के तो कॉल पूरा किया तेजस्वी यादव लालू के बेटा, जो काम प्रधानमंत्री को करना चाहिए वो डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव की है। अच्छा, और तेजस्वी यादव फैक्ट्री भी बैठाता 40 गो, उनकी सरकार रहती थी। हाँ, उनके सरकार रहते थे, इसीलिए फिर से वही आएंगे। हाँ सुनिए ना, इसलिए मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हुआ तो नीतीश पर दमंग दे करके अपना पार्टी में ले लिया कि सोचा 40 गो फैक्ट्री हो जाएगा तो बिहार तरक्की में हो जाएगा, तो हमसे 5 पनिया भीख कैसे मांगेगा, 5 किलो चावल कैसे मांगेगा, इसलिए बीजेपी के मिल गया नीतीश पर दमंग दे के अपना खाता में ले लिया। मोदी जी डर गए हैं, एकदम डर गए हैं मोदी जी, एकदम डर गया। 2024 में भी लालटेन जरेगा, 2025 में भी लालटेन जरेगा। अच्छा, और मोदी जी का सफाया। हाँ, और भारत में आएगा तो वही कांग्रेस, राहुल बिहार में आरजेडी। चलिए, और युवा है क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि इस बार आपकी तेजस्वी यादव का सरकार आएगा, एकदम कंफर्म है। क्योंकि तेजस्वी यादव ही सब नाम क्यों ले रहे हैं, तेजस्वी यादव एक बहुत ही हम लोगों युवाओं के लिए रोजगार दिए, जबकि देखिए हम कहा जाता है जंगल राज की युवराज है, वो जंगल राज है, एक गलत बोला जाता है, जंगल राज ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जंगल राज में हम लोग को क्या मतलब, पहले हम लोग नहीं रहते थे, आजादी से घूमते थे, हर चीज भी करते थे। सहमत है? देखिए जंगल राज शुरू से था, ऐसा तो नहीं है, और उनके जब राज आया तब तक जंगल राज आया, तेजस्वी की सरकार जब आया तब तक रोजगार तेजस्वी देते हैं, जंगल राज है भैया, जब जब उनका सरकार आया। सुनिए वो बात बता देते हैं, जंगल राज उसमें बहुत है। बात थोड़ी लोकसभा चुनाव की, लग रहा है कि मोदी हैट्रिक लगाएंगे, डेफिनेटली लगाएंगे, एक बार बता दे, सुनिए एक बार बता दे, हैट्रिक बिहार और यूपी में 120 सीट है ना, उसमें से उसका खटिया खड़ा होने वाला है। एक बार बता दे, सुनिए आप अपना पर्सनल नंबर, एक सेकंड, आप अपना हमको पर्सनल नंबर लीजिए, हम आपको पर्सनल नंबर देते हैं, चुनाव के बाद हम खुद देंगे भी, हम चुनाव के बाद बिहार यूपी में 80 लोकसभा सीट है जिसमें से 78 कंफर्म है कि बीजेपी बिहार में 38 कंफर्म है, दो वो सीट एकदम कंफर्म। बिहार में अगर 10 भी सीट आ गया ना बीजेपी का, तो आप बोलिएगा आरजेडी का पूरा सीट आएगा, आरजेडी का जितना सीट है ना उतना सब सीट आरजेडी जीतेगा, और 9 सीट कांग्रेस, समझे? कन्हैया कुमार जेएनयू रोजगार देते हैं, 10 भी सिर्फ रोजगार से नहीं होता है, एक बार बताए सिर्फ रोजगार से नहीं होता, हम क्या बोले, आप अपना नंबर दीजिए, आप दोनों अपना नंबर दीजिए, मैं आपको अपना नंबर देता हूँ, यदि बिहार चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएगा तो अच्छा है। मेरा बात सुनिए,
समझे, हम जो ना अपना अपना नंबर हम अपने देते हैं। आपके अनुसार मोदी जी आएंगे, हैट्रिक लगाएंगे, आपके अनुसार क्यों नहीं आएंगे ये बताइए? नहीं आएंगे, क्या किए हैं वो? जब आए थे 2014 में तो बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे, 10 साल में कम से कम 20 करोड़ रोजगार, चलिए वो सब थोड़ी 1 करोड़ रोजगार नहीं दिए। 2022 तक सबको पक्का मकान के लिए बोले, अभी तक किसका मकान बन गया पक्का जी? पटना में नहीं रह रहा है रोड पे, फुलवारी सड़क चल जाइए ना, देख लीजिए ना, जो वादा किया गया था सब फेल है, सब फेल है। गैस लाए 400 में, अब फिर बढ़ा दिए 100 रुपया तो क्या होगा जी? जून तक, 4 जून तक बस, जब तक ईवीएम रहेगा तब तक मोदी ही रहेगा। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, ईवीएम पे कहां सवाल उठा रहे हैं? ईवीएम हैक किया जाता है, ईवीएम भैया ईवीएम हैक किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी सत्ता उसकी सरकार होती है, मेरा सरकार ईवीएम नहीं है किया जा सकता, हम नहीं जान रहे उसका अंदर क्या सिस्टम है। बैलेट पेपर कैंसिल तो होते हुए हम लोग देख लिए चंडीगढ़ में चुनाव में, तब जब छोटा सा चुनाव में इतना कर सकता है तो लोकसभा है, प्रधानमंत्री उसको बनना है। प्रधानमंत्री जी अगर घूमेंगे ना तो चप्पल जूता के माला पहना के उनको घुमाया जाएगा पूरा पटना। आपको बताते हैं हम, नरेंद्र मोदी को इतना डर है तेजस्वी यादव से कि पिछले साल भी आए थे पालीगंज में मिलने, पिछले साल भी पालीगंज में नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए पालीगंज में आए थे, इतना डर था कि सरकार उनका नहीं आता, ठीक है, इसीलिए पालीगंज में भी आए थे। देखिए इस उम्र में आपको लगता है कि नौकरी मिलेगा आपको सही से? जो मिलेगा नौकरी मिलेगा, तेजस्वी यादव का सरकार आने दीजिए नौकरी मिलेगा, मैं आपको 100% कर रहा हूँ ना कि नौकरी मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड और सुनिए, तेजस्वी यादव अभी कितना नौकरी दी है बताइए आप पहले? अभी नौकरी देखिए, जैसे ही जब तेजस्वी यादव के सरकार में नौकरी देने का मौका मिला तो उनका सरकार हट गया, ठीक है, बहसबाजी होती रहेगी। और बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, धन्यवाद।